हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 101 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा सीआईएसआई पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट चल रहा है बीएससी एकेडमी में। पटना से जो लोग हैं इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। राजेंद्र नगर ब्रांच एंड बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में क्या है, आज का सवाल क्या बोल रहा है कि 22830 22803 वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया एंड गिवेन टू ए एंड बी, ए और बी को दे दिया गया एंड वेयर टोल्ड दैट दे शुड स्पेंड, वो खर्च कर सकते हैं कैसे, एट 5% पर एनम। ठीक है, 5% पर एनम पे। ए यूज इट फॉर 9 ईयर, ए ने उसे 9 साल तक खर्च किया एंड बी यूज इट फॉर 11 ईयर्स, बी ने उसे 11 साल तक खर्च किया। ठीक है, एंड देन दे लेफ्ट विथ इक्वल अमाउंट, और उन लोगों ने 9 साल और 11 साल के बाद इक्वल अमाउंट पे उन लोगों का बचता है। ठीक है, फाइंड द मनी गिवन टू ईच इनिशियली, हर एक को कितना मिला ये बताना है। देखो जब भी सवाल आता है, कुछ नया सवाल नहीं है, सवाल में हम लोगों ने ऐसा सीआईएसआई में बनाया है। क्या सीआईएसआई में होता था कि 9 साल के बाद इंटरेस्ट, 11 साल के बाद इंटरेस्ट जो होता था वो दोनों का बराबर होता था। तो हम लोगों को बताया गया कि सारा सवाल जब भी इस तरीके का रहता है वो हमेशा किस पे सॉल्व होता है, सीआई पे सॉल्व होता है। ठीक है, अब जब सीआई इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मतलब मेरा इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होता है इसलिए हम लोग 1+R/100 लगाते हैं। यहाँ पे हमारा स्पेंड दिया, स्पेंड मतलब क्या होगा, कमी होगा। तो जब कमी होती है, वैल्यू डिप्रिसिएट करती है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, 1-R/100। जस्ट इसी बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सवाल में क्या है कि मान लिए ए के पास 1 रुपया ही था, ठीक है, और उसे 5% के रेट से खर्च करना था, यानी 1-5/100। ठीक है, और उसने कितने दिनों तक खर्च किया, 9 साल तक। बी के पास 20 रुपीज था और उसने 1-5/100 के रेट से कितने दिनों तक खर्च किया, 11 रुपीज। जब ए के पास 1 रुपया, बी के पास 20 रुपया, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ए प्लस बी मिला के ही हमारा होगा 22830। ठीक है, अब क्या बोला कि 9 साल के बाद 11 साल के बाद उन लोगों के पास बराबर बचे, यानी कि दोनों का इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे, 5 से काट देंगे 20 बार में, इसे भी 5 से काट देंगे 20 बार में। जब 1 में माइनस करेंगे तो 19/20 बचेगा। ए गुना में 19/20 टू द पावर कितना 9 इज इक्वल टू बी गुना में 19/20 टू द पावर कितना 11। ठीक है, अब यहाँ से ए और बी की रेशियो निकल जाएगी। ए और बी की रेशियो क्या निकलेगी, 19/20 टू द पावर कितना 11/19/20 टू द पावर कितना 9। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 19/20, 11 में जब 9 चला जाएगा तो वो बचेगा हमारा 2। इसी को फर्दर हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं, 361/400। ठीक है, यानी ए और बी के रेशियो हमें मालूम हो गई 361/400। हमसे पूछा था इनिशियली कितना मिलेगा, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी जोड़ के हमें मालूम है 22830 होने वाला है। यानी कि यहाँ पे भी जब हम लोग जोड़ देंगे 400+361, ठीक है, तो ये मुझे कितना देगा, यहाँ से ये मुझे देगा 761 यूनिट, और इसी की वैल्यू मुझे मालूम है, कितनी मालूम है, 22830 रुपीस। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। 1 यूनिट के वैल्यू जो होगी हमारी वो होगी 22830/ कितना 761। इसे जब मैं काटूंगा तो ये हमारा यहाँ से 3 बार में कट जाएगा और ये हमें देगा 30। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 निकल गई। अब मुझे 361 की निकालनी है, तो 361 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी, 361 की क्या हो जाएगी, 361 इंटू में कितना 30, डेट इज नन अदर देन 10830। ठीक है, 10830। ठीक है, यानी कि ए के पास जो वैल्यू थी, उसके ए को जो पैसा मिला था वो मिला था 10830, और बी का हम लोग को निकालना होगा, तो 400 यूनिट की वैल्यू 400 इंटू में कितना 30, यानी बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी 12,000, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो कितना है, 10830 और 12,000। देखो इस सवाल को हम लोग चाहें तो क्विकली भी अप्रोच कर सकते हैं। इस सवाल को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे करना क्या होता है कि 5% है, 5% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/20। 1/20 कहने का मतलब क्या हो रहा है, स्पेंड करा, यानी कमी होगी। जो ज्यादा साल के लिए रहेगा उसके साथ बड़े वाली वैल्यू, जो कम साल के लिए रहेगा उसके साथ छोटी वाली वैल्यू। बी हमारा कितने सालों के लिए है, 11 सालों के लिए, तो यही बड़ा हो गया हमारा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 20,
और 20 में एक जब चला जाएगा तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 19, ठीक है। अब देखो 9 से 11 साल, ठीक है, दोनों के बीच का जो सफर है वो सफर मेन रूप से कितने का है, 2 साल का है, यानी 2 इयर्स। तो हम लोगों ने भी क्या किया, इसका इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ से स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अगर ये 3 साल का सफर होता तो हम लोग क्यूब कर देते, तो स्क्वायर जब कर देंगे तो यही हमारा क्या निकल जाएगा, ए और बी का रेशियो, यानी ए रेशियो बी हमारा यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा 361 रेशियो में कितना, 400। और यही हम लोगों ने यहाँ पे इसे फंडामेंटली सॉल्व करके निकाला था। तो आप जैसे इसे अप्रोच लेना चाहो ऐसे ले सकते हो, या तो ए बी का रेशियो आप डायरेक्ट में निकाल दो और उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस, इसकी 761 के वैल्यू 22830 के बराबर एक यूनिट का मान निकाल देना है, फिर 361 का और फिर 400 का, और इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा 10830 एंड 12000। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।